गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? नहीं, गुड मॉर्निंग कहाँ से भाई, आदत वही है ना, सुबह सुबह निकलने की है आदत। लेकिन इस बार थोड़ा लेट निकल रहे हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो भाई गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, दुआ सलाम। क्या चल रहा है अभी सभी का? एक भाई घर बैठे बैठा एक ट्रिप प्लान हो गई। कुछ दोस्त लोग बाहर से आ रहे हैं और एक भैया है, उन्होंने बोला चलो यार चलते हैं, घूम के आते हैं सब साथ में। अरे चलो चलते हैं भाई। तो भाई अल्मोड़ा की ट्रिप प्लान हुई है, बेसिकली कैंची धाम और कसार देवी। सो बेसिकली वहाँ पे एक पहाड़ है अल्मोड़ा में, मेन वही है जो पूरी धरती पर तीन ही पहाड़ हैं जो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं, और लकीली भारत में भी एक है जो कि अल्मोड़ा के पास में है। बहुत ठंड हो रही है भाई वहाँ पे, 5-6 डिग्री है इस टाइम पे। तो वहाँ जाना है उस पर्वत पे, और वहाँ पे कसार देवी का टेम्पल भी है, वो भी विजिट करेंगे। और साथ के साथ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आपने मेरा एक ब्लॉग देखा हो रुद्रधारी महादेव वाला, उसमें हम रुद्रधारी तो बहुत बार गए हैं जो कि आपका कोसानी में है, लेकिन हम कभी भी ना अल्मोड़ा रुके नहीं। इस बार अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करेंगे कि अल्मोड़ा में क्या है भाई, और बाकी दोस्तों की गप्पे सप्पे चलती रहेंगी, फुल माहौल बना के चलेंगे इस बार। चलिए ऐसे टाइम पर रहें माहौल वाले टाइम पर, रात हो गई है, ये लगा लो आपकी 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट हैं, 15 मिनट में पहुँचूँगा और भैया को पिक करूँगा और फिर एयरपोर्ट जाएंगे। वहाँ से और जो दो दोस्त हैं उनको वो आ रहे हैं, उनको पिक करेंगे और फिर निकल जाएंगे भाई आगे की तरफ। रात का सफ़र कुछ 8 घंटे का है, 8-8.5 घंटे दिखा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। जाके कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं पता नहीं अभी तक, तो फिलहाल कुछ होटल वोटल कुछ बुक नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है कि हाँ कहाँ तक पहुँच पाएंगे रात को और कहाँ तक हमें वापस आना है, मतलब रुकना है रात को। जहाँ थकावट हो जाएगी वहाँ रुक के सो जाएंगे भाई। भाई हम निकल गए बबलिया के साथ, बबलिया को बैठा लिया है, अब दो फ्रेंड्स हैं और मिलेंगे उनको बैठाएंगे साथ में और रात की ड्राइविंग करेंगे मज़ेदार। चलो इसी बात पे लगा दो जयकारा, बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ से बोलना है? हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। भाई ये रास्ता में इस साइड से कम आता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो से बबलू भैया के साथ आया हूँ। नहीं मैं तो साइड से घूम गया था, पल्ली साइड से एक तीन यहाँ बच्चे नहीं है, सही से जा रखे गुरु भाई। मोदी ने एक बात तो है सही कर रखा, काम G20 के चक्कर में है पर सही है, सच तो गई दिल्ली सही भाई, दोनों का साइड तो बहुत सही। हाँ। वो है फाउंटेन्स वगैरह लगा रखे हैं रंग बिरंगे और बढ़िया, उधर से जाता तो और दिखाता, इधर बहुत ज्यादा है दिल्ली कैंट की तरफ। सही है, इसमें पहली बार आया मैं इसमें से, बेहतरीन जो एयरपोर्ट है ना, इंडिया गेट बना ना, जो टनल क्या खूबसूरत टनल लग रही है यार। अरे ये उससे अच्छा है नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, उसके आगे वो निजामुद्दीन वाला। हाँ निजामुद्दीन वाला, हाँ निजामुद्दीन क्या लो, कुछ क्या लो, भुलैया है, गजब है, लेकिन हाँ है भुलैया ही हो पर है मस्त। नहीं आप 8 दिन का टाइम लेके आओ, 8 दिन ना वो अभी मैं दोबारा जाऊंगा, अभी मई के सर फोन पे तो काम हाजिर भी चले जाएंगे आसपास। सॉरी सर वाले भाई वापस देता हूं, वो चढ़िया कोई बात नहीं, तुम बुला क्या है, वी आर हैप्पी, कोई भी उतार दूंगा, जल्दी उतार दूंगा, दो बार और बोलो कटेगा किसी का नहीं, उनका भी चढ़ जाएगा यार क्रॉस कटिंग तो होगी ना? नहीं क्रॉस कटिंग नहीं होगी, ये तो जाएगा किसके पास फिर वो? नहीं मेरे पास, मैं हूं ना कोई नेगेटिव मत अच्छे अच्छे और नहीं, कोई टेंशन नहीं जी, आज दिन भर कोई कॉल नहीं है इनका, इतने सिक्योर बैठे कि हाँ सब कुछ। मैंने शाम को फोन किया, मैं कहा उठ गए, मैं तो सो के उठा था उससे, अच्छा मंदिर से आके। और मैंने कहा भाई जिस दिन निकलना रहता था उस दिन बड़ी हाई तो बार रहती है, तो वैसे ही एक रदे उठेंगे। मैं कंफर्म है ना, मैं कोई फोन वोन बोला हाँ 6 बजे की निकलेंगे अभी यहाँ से, फ्लाइट पकड़ के तब आएंगे। वैसे अगर हम 2-2.5 बजे निकल लेते ना यहाँ से तो ज्यादा मजा आता। हाँ सही टाइम वही है, वहाँ पे जाके फिर रिलैक्स करते हैं। अगर आप दिन में निकलते ना तो एक फायदा होता, मैं आपको ले जाता जंगल के अंदर से। अच्छा नहीं ये सराय काले खान है। अच्छा ओके ओके ओके, नहीं अभी तक मैं तो गया, मेरे को एक्चुअली ऐसे पसंद नहीं, मेरे को बहुत पहले गया था, मेरे को एक्सट्रीम वाले जो पसंद है ना। हाँ आप यूजली कहाँ घूमते हो, टेम्पल्स में या फिर कैसी जगह? ऐसे कुछ
जो थोड़ा नेचर वाला है ना वो अच्छी लगती है जगह मुझे। नेचर में भी ना जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना पसंद है ज्यादातर। अच्छा, ट्रेकिंग वाला तुंगनाथ, अभी मैं तुंगनाथ करके आया था। बट अभी क्या आपका देखो आपकी बॉडी की जांच कर रहा हूं। चलो भाई, हम पहुंच गए रास्ते में कहीं, पता नहीं कहाँ पहुंचे हमें भी नहीं पता। और ये भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे आराम से रस्ते मारे, ठंड बहुत है लेकिन यहाँ भाई मुरादाबाद से आगे निकलने के बाद ना एक थोड़ी सी एक टोल पड़ता है नेक्स्ट मुरादाबाद से आगे जो टोल पड़ता है वहाँ पे है हम लोग। अभी देख रहे हैं कुछ थोड़ा स्ट्रेच कर लें कम से कम, काफ़ी देर से चला रहे तब से रुके नहीं हमारी गाड़ी कहीं पर भी। और भाई ये भाई लोग यहाँ पे फुल मस्ती मार रहे हैं। आप लोग सर्दी लग रही भाई? सर्दी लग रही आप लोगों को? पक्का? अरे अंदर से स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि पुराने साथी है, बहुत स्टेज पे देखे, बहुत अंदर तक खेले हैं, बहुत अंदर तक जा रखे हो। अंदर तक मैं सब कुछ सीख रहा। इधर से शुरू कर फिर इधर आ भाई। नहीं नहीं पहले आपके पास ही, इनके अंदर ही मोदी जी जागे हुए हैं, इनके पहले स्पीच लेते। हाँ बताओ। हाँ हाँ, अरे मोदी कौन है फिर बताओ। इतना बता दे तो मोदी कौन है? ये इधर इधर है, ये मोदी जी वैसे है भी, दोनों को दोनों को दोनों गुच्छू है, दोनों गुच्छू। मित्रों ये जो अमित भाई के बिना कुछ नहीं है। मित्रों आज हम जो आपसे बतिया रहे हैं वो यूं ही नहीं बतिया रहे हैं, उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। अभी तो जेल में है फिलहाल। मैं रामपुर पहुंच गए, रामपुर में भी ये लगा लो बॉम्बे वाला हाल है, दुकानें खुली हुई नहीं। सही, मैं वही लगा नहीं था इतना। सही, पूरा खाने पीने का पूरा जुगाड़ है इस टाइम पे भी। चाय वाय भी बढ़िया मिल रही है, चाय अच्छी थी लेकिन इसकी। चाय अच्छी थी, ऐसे मतलब टेम्परेरी नहीं थी, बढ़िया थी, अच्छे से बना रखी थी चाय वगैरह से। और यहाँ से मुझे भी लगा था रामपुर में इस टाइम खुला मिल जाएगा, बिकॉज रामपुर ऐसा कुछ शांत एरिया नहीं है ना। लेकिन अभी खुला हुआ है पूरा, बढ़िया से, पूरा मार्केट खुला हुआ है, पूरा मार्केट ही खुला हुआ है, पूरी दुकानें हैं इधर। बिरयानी स्पेशलिटी है यहाँ की, हैदराबाद मुरादाबादी बिरयानी मिलती है यहाँ पे। और ये तो हमारे कोने में आ गया, पीछे पूरा मार्केट था रेलवे स्टेशन वाला पीछे, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन बस अड्डा दोनों नजदीक है, यहाँ से जाम खड़े हैं, पूरा मार्केट ही ओपन था भाई। सही है। और यहाँ से कुछ अगर दिख रहा है आपको, आई डोंट नो, यहाँ से दिखेगा नहीं क्या, यहाँ से दिखे अगर दिख जाए तो बाई चांस तो भी ये देखो हल्द्वानी है यहाँ से 78, यानी करीबन करीबन दो घंटे से कम ही लगना चाहिए। रुद्रपुर 50, बिलासपुर 29 और नैनीताल है 119 किलोमीटर। अब हम बैठ गए, यहाँ से निकलेंगे सीधा नैनीताल और सीधा रुद्रपुर, और रुद्रपुर से आगे हल्द्वानी, इस रूट को फॉलो करेंगे। अब हल्द्वानी आने वाले हैं और कुछ 15-20 मिनट के बाद दबे। और रोड अच्छी कर दी मैं अब तक, लास्ट टाइम जब आए थे हम उस टाइम पर सड़कें ऐसी नहीं थी, सड़कें बहुत अच्छी बना दी है फिलहाल। इस टाइम पर एक और अच्छी बात है, इस टाइम पर जब हल्द्वानी घुसेंगे ना तो हम अंदर से निकल सकते हैं, अदरवाइज दिन में जब आप जाते तो हल्द्वानी में उन्होंने बंद कर रखा है, बंद भी कर रखा है, तो आपको पीछे हल्द्वानी में पीछे कॉलोनी है उसके पीछे से घूम फिर के आप निकल सकते हो पार करके हल्द्वानी। टाइम रहेगा वो भी तो वैसे ही रहेगा। ये बताओ कोई
ये हल्द्वानी शहर आपका जागता हुआ सुबह सुबह 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, कुछ 15 पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे कुल मिला के। सीधा जाकर उसके कैची नाम 1.5 घंटा और लगेगा यहाँ से कैची नाम पहुँचने में। नहीं याद भी चाय की चुस्की देखो देखो, नहीं फिजिक्स नहीं लगता, ये गुजरात से है और भाई ये सेठ आदमी है, सुनार का काम करते हैं, ये ग्राहक है, ये दोनों सुना रहे हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसे ही लग रहा है ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब मान के जो है यहाँ से आगे पहाड़ का अभी तक तो हम ऐसे अपने वाले फ्लेवर से आए, अभी एक बार आप इधर गिरोगे एक बार इधर गिरोगे तब जाके पता लगेगा। चाय बढ़िया है, लेकिन चाय में कोई डाउट नहीं है, चाय बहुत बढ़िया है। और अपनी घड़ी देखिए घड़ी सुनना सामने, यहाँ पे भी ये टी स्टॉल है आपका, बढ़िया। अच्छा रेंट भी अवेलेबल है स्कूटी का भाई, स्कूटी बाइक रेंट पे है। कोट गोदाम जो है काट गोदाम, कोट गोदाम पता नहीं क्यों बोलता हूँ मैं, पढ़ा नहीं भाई, काट गोदाम क्रॉस कर लिया भाई हमने और पहाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है अभी तो फिलहाल। ये रास्ता ना अल्मोड़ा वाला जो रास्ता है, एक बार जब बारिश नहीं थी बहुत तेज, अल्मोड़ा से ऊपर वाला जो इधर सोमेश्वर की तरफ जो रास्ता जा रहा है कोसानी वाला, वो पूरा रास्ता बह गया था पूरा का पूरा, उस टाइम वहीं पर था कोसानी के ऊपर, फिर वहाँ से मतलब रानी खेत के लिए रास्ता कटता है कोसानी से ही, सोमेश्वर क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, वो थोड़ा लंबा है पर ठीक है, गांव का रास्ता है वो, कच्चा सिंगल रोड है, मतलब ट्रक वर्क कुछ नहीं चलता उसके ऊपर, लोकल गाड़ियाँ बाइक वाइक वही चलती हैं बस, उससे घूमे जा रहे हैं हम लोग। केदारनाथ जाने का प्रोग्राम तो भैया फिर गया नहीं कि मेरे को तुंगनाथ जाना था, और केदारनाथ के लिए ना मतलब हमारा प्रोग्राम था बद्रीनाथ का और केदार इसका तुंगनाथ का, और वो बुग्याल जो बताया उसका जाया जाता है जाने में क्या, अकेले बोर हो जाता है बस यही है, अभी जाने में कुछ नहीं। जैसे मंदिर ना माता का वैसे ही मंदिर कैची था पहले उस साइड में। तो हमारे नाम से भी एंट्री जानी जाएगी। हाँ ये देखो जरा एक बार, अब पता नहीं क्या ही दिख रहा है, असली तो मैं दिन में दिखा देता लेकिन अभी फिलहाल एक गाड़ी खड़ी कर रखी मैंने अपनी, और ये भीमताल एक्चुअली मैं उसे दिखा दूँ पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा जो मैं आपको दिखा सकूँ। ये भाई निकल जा। ये भीमताल दिन में देखेंगे फिर, अब तो भाई बाकी ये लाइटिंग देख लो यार, अब क्या ही कहूँ, मज़ा आ रहा है लेकिन ड्राइव करने, बहुत ठंडा यार, सही ठंडा, कान ठंडे हो गए, क्या ये लाइट जल रही है भाई, लाइट का तो आनंद ही पूरा अलग है। ए बढ़िया क्या बहुत ही ज्यादा है, नहीं बट रात को आवाज आ रही थी ना तेज, रात को सुबह जब रात को सुबह रगी ना अब जब दिखे थी तब तो रात ही है भाई, को ना सुबह सुबह 5:30 बजे पहुंचे हैं भाई, वो यार रात को खबर आ रही थी, पता नहीं किसके साथ आया था भाई रात को यहाँ पे।